जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। यूपी के आपके उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों में लगेंगे 25 हेल्थ एटीएम। अभी तक यार मोबाइल एटीएम, आपका मनी एटीएम, ये सब सुना जा रहा था, पर अब आ गया आपका हेल्थ एटीएम, यानी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और भाई साहब, ज़िंदगी में सबसे बढ़कर स्वास्थ्य होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये आपका हेल्थ एटीएम। तो ऑटोमेटिक मशीन के जरिए मिलेगा उपचार। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 क्लस्टर लागू किए जा चुके हैं भाई साहब, अब 25 लागू किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहां कहां लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर, तो प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। अब लखनऊ समेत राज्य के कुल 13 जनपदों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। इन हेल्थ एटीएम में हेल्थ पैरामीटर मापने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ही ज़िलों में लागू किया जा रहा है। मानकों पर खरा उतरने व हेल्थ एटीएम की उपयोगिता के आधार पर पूरे सूबे यानी पूरे उत्तर प्रदेश में इनको विकसित किया जाएगा। अभी ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या है ये भाई साहब। तो सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद जुलाई 2021 में प्रदेश के अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगाने का फैसला किया था। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत खाका खींचने का जिम्मा सौंपा था। डिटेल स्टडी करने के बाद इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 4 क्लस्टर यानी 13 ज़िलों में लागू किया जाएगा। अब भाई साहब कहाँ क्या है, तो डीजी हेल्थ डॉक्टर वेद व्रत सिंह के मुताबिक यह फ्लैगशिप योजना है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा ज़िलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य को 4 क्लस्टर में बांटा गया है। यह 4 क्लस्टर पूर्व, पश्चिम, मध्य व बुंदेलखंड के तौर पर हैं। ऐसे में हर क्लस्टर से 3 ज़िले चयनित किए गए हैं। हर ज़िले में 2 हेल्थ एटीएम की मशीनें लगेंगी, साथ ही वाराणसी में भी 1 मशीन लगेगी। कुल 13 ज़िलों में 25 हेल्थ एटीएम लगेंगे। इससे ज़रूर मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। क्या है हेल्थ एटीएम, तो अब देखते हैं हेल्थ एटीएम क्या है। हेल्थ एटीएम एक आधुनिक मशीन है। इसमें हेल्थ पैरामीटर पर आधारित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इस मशीन पर टेक्नीशियन तैनाती रहेगी। बीमारी के लक्षण मशीन में इंटर करने के साथ ही ज़रूरी जांचें करने में भी टेक्नीशियन मदद करेगा। इसके बाद मशीन में बीमारी के उपचार के लिए ही परामर्श मिल जाएगा। यानी एक मशीन होगी भाई साहब, उसमें आपको जाना है, आपको सर दर्द है, नाक बह रही है, तो आप डाल देंगे तो वो समझ जाएगी कि भाई साहब इनको जुकाम है। फिर वो आपको बताएगी कि क्या क्या आपको करना है, वहीं से आपकी दवाएं वाएँ निकल आएंगी। बढ़िया है ना यार सब। फिर अब मशीन से ही मिलेगी दवा। इसके अलावा मरीज को बीमारी का मशीन से किए गए एनालिसिस डॉक्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ से डॉक्टर के पास जाएगा मशीन के पास के बाद, तो डॉक्टर ऑनलाइन ही मरीज के लिए आवश्यक दवाएँ लिख देगा। यह दवाएँ मशीन से तय डोज के अनुसार निकल आएंगी। ऐसे में मरीजों को जाँच दवा के लिए कई काउंटर पर भटकना नहीं होगा। अब इन जांच के लिए सुविधा भी रहेगी उपलब्ध भाई साहब। बॉडी स्क्रीनिंग के लिए कुल 16 तरह की जांच, वहीं रैपिड टेस्ट में यूरिन टेस्ट, यानी आपका यूरिन टेस्ट, आपका मूत्र टेस्ट जो होता है, गर्भावस्था, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल जैसी जाँचें भी भाई साहब अब आपका मोबाइल एटीएम करेगा। 59 पैरामीटर की हो सकेगी जांच। तो हेल्थ एटीएम के जरिए लोगों के निशुल्क बॉडी मास इंडेक्स, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, बॉडी फैट, जो मोटे मोटे लोग हो जाते हैं उनका, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का टेम्परेचर, शरीर में ऑक्सीजन लेवल, वजन सहित कुल 59 पैरामीटर की जाँच होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पर अगर ये सक्सेस हो जाए तब तो इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स के पास इधर उधर भागना पड़ता था और जो वो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये या 80 रुपये ऐसा बेचते हैं ना रेट बड़ा बढ़ा के, वो सब कम हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।